सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में क्या है, तुम्हारी खुशी या फिर तुम्हारा करियर? आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। और आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो सबको आप सच कैसे कर सकते हो, कैसे आप इस फील्ड में एक अच्छे चीफ इंजीनियर या एक कैप्टन तक बड़ी इजीली पहुंच सकते हो बिना किसी टेंशन के। सो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है गाइस, आज आपके पास क्या है, आज आपकी सिचुएशन क्या है, आज आपकी कंडीशन क्या है, उस चीज़ पे आपको सबसे पहले काम करना है। आज मैं एक जीपी रेटिंग कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे अपना 100% दे के सीखना है। ये ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी कि तुम अगर फर्स्ट आओगे तो ही तुम चीफ इंजीनियर बनोगे, तुम अगर बीएससी नॉटिकल साइंस में फर्स्ट हो तो ही तुम कैप्टन बनोगे। बहुत से लोगों के लाइफ में ना ये स्पैन एक होता है, इसको एक स्पैन बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हो और तभी आप अपना सपना भी बना रहे होते हो। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, डेफिनेटली ट्रस्ट मी, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम सपने देख रहे हो, डेफिनेटली देखो, तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा हक है, तुम्हारे माँ बाप का सपना है, तुम्हें उस चीज़ में लेके जाना आगे, एक कैप्टन या एक चीफ इंजीनियर जो कि सबसे टॉप पोजिशन है वहाँ तक तुम्हें पहुँचाना, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, चाहे वो कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे वो माँ बाप के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस हैं। करना किसे है, सारा स्ट्रेस किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो उससे तुम्हें कैसे डील करना है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जब तक तुम्हारा इस फील्ड में बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता यार। जब तक तुम ये नहीं जान लोगे कि जो तुम कर रहे हो, जिसमें तुम फील्ड में हो, उसको धीरे धीरे करके जो तुम आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए क्या क्या तुम्हें हर एक चीज़ में क्या क्या सोचना समझना चाहिए, कैसे कैसे उस चीज़ पे तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब देखो माँ बाप के हाथ में पैसा लगाना होता है, हर एक माँ बाप पैसा लगाता है, वो उनका अधिकार है, उनका एक अंदर से सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे जाके कैप्टन बनेगा या चीफ इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो चीज़ करनी तुम्हें ही है, वो करने तुम्हारे माँ बाप नहीं आएंगे यार। तो जब तुम उस चीज़ के लायक बन जाओगे, जब तुम पहली बार शिप पे आओगे, देखोगे ठीक है कि मैं आज एक टेक कैडेट हूँ, मैं जीपी रेटिंग हूँ, दोनों की लाइफ एकदम सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, ये बात हमेशा माइंड में रखना। चाहे जीपी रेटिंग है, चाहे टेक कैडेट है, चाहे इंजन कैडेट है, सबकी लाइफ हमेशा एक स्टार्ट जो होता है ना, स्टार्ट मार्क होता है, रेडी 1 2 3 गो। अब उस स्टार्ट मार्क पे तुम सारे हो आज की डेट में, और तुम्हें वहाँ से आगे जाना है। अब कुछ लोग उस स्टार्ट मार्क को पार कर चुके हैं, वो ऑलरेडी शिप पे हैं, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा शिप तो नहीं मिला, जैसे सपने देखे थे वैसा तो नहीं मिला सपना। कहाँ आई प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं नहीं आई, प्रॉब्लम आई है सिर्फ तुम्हारी सोच में, तुम्हारी थिंकिंग में। आज भी सब कुछ उतना ही अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम्हें इतना जल्दी आगे जाना है कि तुम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो जो तुम्हारे साथ में एनर्जी चल रही है, उस पे फोकस नहीं कर रहे हो। यार मैं तो लूट गया यार, एजेंट ने बर्बाद कर दिया भाई, 6 लाख लगा दिए, 7 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सीरियसली अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम्हारी लाइफ, ज़िंदगी तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास ना। क्वेश्चन मार्क लगा दो उस चीज़ के पीछे, अभी इसी वक्त एक क्वेश्चन मार्क लगा दो कि वो सब चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई, अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया है, अभी से कैसे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, अरे अभी तो मुझे कैप्टन तक जाना है, मुझे चीफ इंजीनियर तक जाना है। ये सब जो लाइफ में हर्डल्स हैं ना, इनको पार करना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही माँ बाप के ऊपर स्ट्रेस आ गया कि जी आपका बेटा तो मतलब जी अब तो 6 महीने हो गए मतलब घर बैठा हुआ है, अरे यार ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। ये सब तरीके होते हैं ताने मारने के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कभी अपने माइंड में मत लिया करो, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन है, तुम परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, माँ बाप को परेशान कर रहे हो, किसका अल्टीमेट लॉस है, वो तुम्हारा ही तो लॉस है। कभी सोचा इस बात पे? इस दुनिया से बचने के लिए तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, जो मैं खुद करता हूँ अपनी लाइफ में, कई बार करता हूँ, ठीक है। मुझे भी गालियाँ देने वाले बहुत हैं, तुम गालियाँ क्यों दे रहे हो यार, मैं खुद मुझे 100 गालियाँ देता हूँ, आकाश फ्रॉड है, आकाश कुछ नहीं कर सकता, आकाश के बस की लाइफ में कुछ नहीं है, वो चीफ इंजीनियर पागल है क्या, बन ही नहीं सकता, क्या कर लिया उसने आज तक, एक थर्ड इंजीनियर की पोजीशन पे तो है, 100 गालियाँ दे ली, मुझे बुरा लगना चाहिए ना।
मुझे नहीं लग रहा लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम मेरी बात को फॉलो करते हो। अरे यार नहीं यार आकाश सर को ऐसी बातें किसने कह दी, क्यों कह दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ मत करो, एकदम शांति से सोचो आज तुम्हारा सपना क्या है, उस सपने के लिए तुम्हें करना क्या है, उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें फ्री में प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, एक सोच बना ली, लिख लो उसको किसी पेन पेपर पे, कहीं पे भी जाके लिख लो कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, बस इतना लिखो। अगर जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे ना गाइस, इस एज इस फील्ड में तुम चीफ इंजीनियर कैप्टन बनने से हमेशा नीचे गिरते रहोगे। सबसे बुरी चीज़ है तुम्हारा ये कंफर्ट जोन, जहाँ माँ बाप का खाना चल रहा है, जहाँ माँ बाप सोने को दे रहे हैं, बाप है वो मेहनत कर रहा है, बाप ने अपना सारा कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया, अब तुम्हारी बारी, लेकिन तुम कंफर्ट जोन में हो। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें कहीं से फ्री हेल्प मिल जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना उसके लिए। ऐसा कहीं पे होता है क्या? कहीं किसी भी बुक में सुना है कि ऐसा कुछ होता है? ठीक है, तुम हार मान के बैठ जाओ, गलत बात नहीं है, बैठ जाओ, थोड़े दिन परेशान हो लो, यार सब कुछ ख़त्म हो गया, भाई आकाश आप ही बचा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है, मेरे ऊपर उम्मीद लगा रहे हो ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो कि सच में लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया या सिर्फ ऐसा मेरी सोच है। अरे अगर तुम 23 साल के हो गए, तुमने कुछ नहीं किया अभी तक, तो क्या प्रॉब्लम है? लाइफ है वो जीने के लिए बनी है, झेलने के लिए नहीं बनी। ऐसे ऐसे प्रेशर्स कई सारे आते जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रेशर भी आएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उनसे लोग आज एक्चुअल में जूझ रहे हैं, उनको भी फेस करने के बाद फिर भी लाइफ में लड़ रहे हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें देखते हैं कौन रोक सकता है। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारे आसपास ये कचरा फैलाते हैं ना, ये लोग जो तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, अरे ये पागल है क्या, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे लोगों को सबसे पहले दूर करो। एक शांत कमरे में आके बैठो, आज मेरा ये एक्सपेरिमेंट तुम करके देखो, ठीक है, एक शांत से कमरे में आके बैठो जहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, उसके बाद अपनी आँखें बंद कर लो, कर लो यार, बस क्या करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, करो आँखें बंद, कर ली आँखें बंद। अब तुम चीटिंग मत करना कि तुम आंखें खोल के ये सब करोगे, ठीक है भाई, मेरे साथ चीटिंग नहीं चलेगी, जो मैं बोल रहा हूँ ना करना पड़ेगा तुम्हें, मेरे फैन हो ना, करो उस बात को। आंखें बंद कर ली, अब अपने उस सपने के बारे में सोचो जो तुम्हें कैप्टन बनना है, चीफ इंजीनियर बनना है। सोचो एक ऐसा फेज आ गया तुम्हारी लाइफ में कि तुमने वो अचीवमेंट को पार कर लिया, तुम आज कैप्टन और चीफ इंजीनियर बन गए। वो एनर्जी जो इस सपने को सच कर रही है, तुम्हारे साथ चल रही है, उसके बारे में सोचो। सोचो तुम्हारे सारे सपने आज पूरे हो गए, और जैसे ही तुम अब आँख खोलोगे ना, तुम्हें एकदम खुश होना कि फाइनली तुमने वो खुशी को अचीव कर लिया, आज तुम एक कैप्टन और एक चीफ इंजीनियर बन चुके हो, डेफिनेटली बन चुके हो, मेरी इस बात को फील करो और अपनी आँखें खोलो। लग रहा है कुछ चेंज है, लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ज़िंदगी में मैं चाहे कितनी मुश्किलें आए मैं ज़रूर करूँगा और करके छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे स्टडी करना है कि अब मैं पढ़ाई हो चुकी है मेरी, मैंने सारे जो भी कोर्स तुम्हारे जो भी सिस्टम है ये बना रखे हैं सबने, उन सबसे तुम बाहर आ चुके हो और आज से तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया और अभी से तुम्हें वो सब करना है, और वो सब करने के लिए तुम आज रेडी हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरे करना है। कोई नहीं आने वाला ये बताने के लिए कि तुझे यहाँ जा वहाँ जा, जो कुछ करना है तुम्हें करना है, एक्शन लेना सीखो लाइफ में यार, अभी की अभी एक्शन लो। तुम्हारा चीफ इंजीनियर, तुम्हारा कैप्टन बनने का सफ़र शुरू होता है अब से, अभी तुम्हें वो सारी चीज़ करनी है और उसके लिए लग जाओ काम पे। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है, या तुम खुद देखना तुम्हें कौन रोकता है उस चीज़ को आने में। कभी किसी की बात मत सुनो, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। मेरा गोल है कैप्टन बनना, उसके लिए मुझे सबसे पहले स्टडी करनी है, अभी मैंने कैडेटशिप कर ली, अभी उसके लिए मुझे वैसल जाना है, वैसल कहीं नहीं मिल रहा, कहाँ पे जाऊँ, ठीक है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करा दूंगा, मैं तुम्हें वैसल भी दिला दूंगा। उसके बाद तुम उस पर चले गए, तुमने उस पर सारा कुछ काम वाम किया, सब कुछ A1 चला, रीजॉइनिंग भी तुमने ले ली। अब तुम्हारी सैलरीज के बारे में तुम सोचने पड़ जाओगे कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने ये सारी बात तो बता दी, लेकिन सैलरी कौन बताएगा कि हमारी सैलरी कितनी मिलेगी और वो बढ़ेगी कैसे, है कि नहीं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो आ गया तुम्हारे दिमाग में, वो लालच वो फितूर सब कुछ आ गया ना अभी, तो ये है वो चीज़, असली चीज़ जो तुम्हें आगे जाने से रोकती है। कभी भी स्टार्टिंग में सैलरीज को मत देखो, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जहाज के बारे में जानना, उसके बारे में जानो, जो भी पैसा लग रहा है एक बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, बिना पैसे के नहीं होने वाला भाई कुछ भी, जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना है, उसके लिए रास्ता चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चांस चाहिए तुम्हें वो मैं दे रहा हूँ, जाओ बिल्कुल जाओ, बिंदास जाओ, मेरे ऑफिस में आओ,
मेरे ऑफिस करनाल में है, करनाल में आओ मेरे ऑफिस में, कैप्टन साहब से डायरेक्ट बात करो, उनसे सारी बात फोकस करो, ठीक है, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसे तुम्हारे 25 डेज या 30 डेज जो भी हमारा टाइम है वो पूरा होगा और तुम्हें उसके बाद जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलेगी वो गारंटी मेरी है, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। और हाँ, मुझे गालियाँ देने वालों, तुम्हारा बहुत बहुत दिल से स्वागत है भाई को गालियाँ देने में। आज तुम मुझे गाली मत दो, आज मैं खुद को गाली देता हूँ, ठीक है। तो लो, तुम्हारी खुशी के लिए सिर्फ ये मैंने एक चीज़ तैयार की है कि तुम खुश हो जाओगे कि आकाश ने खुद को गाली दे दी। तो चलो ठीक है, आज मैं खुद को गालियाँ देने वाला हूँ। मेरे फैंस हैं वो बुरा मत मानना, कोई बात नहीं यार, कुछ दुनिया का सबसे बड़ा रोग कुछ तो कहेंगे ये लोग, तो वो तो कहेंगे, उन्हें कहने दो। तो भाई, आकाश नंबर वन फ्रॉड है, आकाश ने सबके साथ फ्रॉड किया है, और आकाश जो है वो इस दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, और उससे घटिया आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। लो, आज ये बातें मैंने खुद को कह दी, तुम भी खुश हो लो, हम भी खुश हो लेंगे। क्योंकि जब आप इतने लोगों के सामने कोई चीज़ खोलते हो, कोई चीज़ बनाते हो, कोई ट्रस्ट करता है ना तुम्हारे ऊपर, उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, इन दो चार छोटे मोटे हेटर्स से तो कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि अब जो मैंने करना है, मैंने एक प्लान बनाया है, सपोज़ करो मुझे इस दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर बनना है, मेरी सोच है, मुझे बनना है, क्या क्या करना है उसके लिए, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, सारी चीज़ करूंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि तुम्हें सारी चीज़ आज ही करनी है। टाइम लो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे उन चीज़ों को करो, करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब छक मार के वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, आप सबकी दया से या कुछ भी है, आप सब ने मुझे इतना पसंद किया, उसकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हैं। उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं आज खुश हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, जिस दिन लाखों होंगे उस दिन भी खुश हो लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे आज तो खुश हो, आज तुम खुश हो कि तुम कैप्टन चीफ इंजीनियर बन गए, सोच लो बन गए तो बन गए, बस तुम्हें जो चाहिए लाइफ में मिल गया, आज के दिन खुश रहो, बाकी जो होगा वो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर माई सेशन, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइस, कीप मोटिवेटेड, क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो ना वो तुम्हें ही करना है। कोई बात नहीं, लूट गए, बर्बाद हो गए, ये सब रोना छोड़ दो, अब एक नई शुरुआत की तरफ चलते हैं, जहाँ पे सिर्फ तुम हो, तुम्हारा मकसद है, तुम्हारे माँ बाप का साथ है, दुनिया की कोई बात मत सुनो, सब कुछ बाहर फेंक दो, क्योंकि ये दुनिया वाले कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तुम अगर अमीर बन जाओगे तो बोलेंगे पक्का गलत काम करके बना, ये ऐसे अमीर नहीं बना भाई, इसने बहुत कांड कर रखे हैं, गलत काम नहीं कांड कर रखे हैं, और ये छोड़ो यार इसकी बात, हो गया वही तुम गरीब हो, अरे ये तो मुझे पता ही था, जिंदगी में करेगा क्या, आज तक कुछ किया है इसने जो अब करेगा वो भी छोड़ दो। मैं थर्ड इंजीनियर हूँ, मैं जब जीपी रेटिंग से आया, तो चलो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है करने में, चलो बहुत मज़े लेते हैं, इस दुनिया के मज़े लूटते हैं, कुछ नहीं रखा फालतू बातों में, चलो एंजॉय करते हैं। चीफ इंजीनियर बन जाएंगे, DNS का एंटर बन जाएंगे, जीपी रेटिंग अभी कर रहे हैं, कर लेंगे, आज का दिन है ना एंजॉय करने के लिए, आज वो करते हैं। तो मुझे जब मैं आया था जीपी रेटिंग में, सो सबका वही कहना, अरे बाप रे क्या करने जा रहा है बेटा, स्कूल में तूने झंडे गाड़ दिए है ना, बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज़ बन के निकला है, कुछ नहीं होगा तेरा, स्कूल सिस्टम तुझे निकाल रहा है, तू क्या करेगा ज़िंदगी में, कॉलेज तूने करना नहीं, जा रहा है जीपी रेटिंग करने, जा कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हो इतनी नेगेटिव अप्रोच, भाई ने छाती चोरी करके सही, कोई बात नहीं आंटी जी, आपको ऐसा लगता है ना नहीं हो पाएगा। फिर मैंने पूछा उनसे, ऐसे ही पूछ लिया कि आंटी आपको क्यों लगता है ऐसा कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मर्चेंट नेवी में, हाँ मेरा ना मेरी बहन का बेटा था, ठीक है, तेरे कितने परसेंट आए थे 12th में। आंटी मेरे तो 72-75% आए थे। अच्छा, उसके 90% आए थे, ठीक है, उसके बाद भी उसने जीपी रेटिंग किया, और उसके बाद 2 साल वो बैठा घर पे और उसका कुछ नहीं हो पाया। यार वो सुन के ना मुझे इतनी हंसी आई, मतलब मैं कहाँ जाके हंसूँ इतना, मतलब वो नहीं कर पाया इसकी वजह से उन्हें लगता है कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा। वाह क्या बात है, अरे मैं क्या हूँ, मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, जन्म दिया है, सारी चीज़ें, लेकिन तुम क्या हो आज की डेट में, तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता यार। सीधी सी बात है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी सोच ऐसी है कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर बनूंगा तो मैं बन के दिखाऊंगा। अगर मेरी ये सोच है कि मैं ऐसी कंपनी खोलूंगा जिसमें लोगों को सबको फ्री में प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है आज मैं इतना नहीं हूँ, आज मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ले रहा हूँ धीरे धीरे, और एक नए दिन सपना मेरा ज़रूर पूरा होगा जब आप सबको मैं फ्री में प्लेसमेंट दिलवाऊंगा डायरेक्ट कंपनी से लिंक होने के बाद। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है, पर इम्पॉसिबल साउंड हो रहा है ना, मतलब बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ट्रस्ट मी यार, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, जब तुम सोच लेते हो ना कि ये चीज़ मुझे करनी है, वो चीज़ मुझे करनी है,
करनी किसे है तुझे, आज से लग जा काम पे। सो अपनी सोच तो ये है भाई, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबकी भी ये हो, तुम जो भी कर रहे हो ना उसमें अपना 100% लगा दो बस, चाहे वो गलत ही हो। मैं, मेरी कंपनी नहीं खुलेगी, लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खेती कर लूँगा, मेरे पास खेत है, मैं खेती कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कुछ नया करने की, या मैं वापस इस फील्ड में आ जाऊँगा और क्या होगा। हो रहा है तो वो मेरे साथ हो रहा है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मेरी सिचुएशन मुझे हैंडल करनी है, कैसे करनी है मुझे पता है, आगे जाना है सब बताएंगे। जैसे मैं तुम्हें मिल गया ऐसे मुझे भी कोई मिला था जिसने मुझे बताया इस फील्ड के बारे में। ठीक है भाई, आ गया मैं मुंबई में, कर लिया मैंने कोर्स, जाके वहाँ बोला भाई लीडर किसको बनना है, भाई का सबसे ऊपर सर जीपी बैच का लीडर मैं बनूंगा। अच्छा तू बनेगा लीडर, क्या आता है तेरे को? मैं सर क्या करवाना है आपको ये बताओ। तो बोले यार तेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ाई है। मैं सर जिंदगी में चाहे कुछ ना आए कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा ऊंचा ही रहता है, और उसी का परिणाम है गाइस कि 5 या 6 साल में जो भी है मुझे पहला ब्रेक थ्रू मिल गया था मेरे थर्ड इंजीनियर की पोस्ट पे। सो उसके लिए बस करते रहो यार, कुछ नहीं रखा, जो तुम कर रहे हो ना उसी को करते रहो, उसमें 100% लगा दो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। एजेंट से लूट गए कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे भरोसा एक बार करके देख लो, औरों पे भी तो किया है, मेरे पे भी करके देख लो। एटलीस्ट मुझे ये तो सुख रहेगा कि मैं तुम्हें सही जगह पे तो लेके जा रहा हूँ मेरे साथ में, मैं तुम्हें कुछ गलत तो नहीं दे रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो तो मिल रहा है। ठीक है चाहे जो भी है एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज़, मैं नहीं बोलूँगा सारी बात क्योंकि वो बातें मुझे बहुत डाउन सी लगती है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी कुछ है नहीं यार। मैं जो भी हूँ मेरे कैप्टन की वजह से हूँ, मेरे कैप्टन साहब को मुझ पर भरोसा है, मुझे तुम पे भरोसा है। सो खोल देते हैं कंपनी, क्या होगा देखी जाएगी, बंदों को तो प्लेसमेंट मिल रही है ना, उससे बड़ी बात और क्या होगी। और जिसको नहीं आना भाई तू घर पे बैठ, मैं तो बहुत खुश हूँ, और तू चाहे मुझे 70 गालियाँ और दे दे, देता रहे, क्योंकि तुम गाली देने वालों के बारे में एक बात कहूँ ना, मेरे को गाली देने से अच्छा ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लो, चाहे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लो। मेरी बात तो मत सुनो, जो सुना रहा है उसकी सुन लो, लेकिन माँ बाप का नाम तो रोशन कर दो। एनीवेज सो आई थिंक आप बहुत खुश हुए होंगे मेरा ये सेशन देख के, और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी आपकी बनी रहे हमेशा। जो कर रहे हो करते रहो, 100% देना सीखो। लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक सोच है जिसे हमें मिटाना है, हटाना है। और फ्री प्लेसमेंट गाइस तुम मेरे साथ जुड़े रहे इस फील्ड में तो ज़रूर मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा कि मैं मेरे बंदों को फ्री में मेनिंग दिलाऊंगा। आई होप सो, वो टाइम बहुत जल्दी आए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आकाश मर्चेंट फॉर दिस सेशन, आई होप यू लव द सेशन। सो इफ यू लव इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आप कमेंट्स हैं मुझे कमेंट करिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, यू हैव अ ग्रेट डे।